अस्सलामु अलैकुम एट क्लास सब्जेक्ट मैथ यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज नंबर 1.6। अब जो फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था हमने, उसके पार्ट्स आपने कंप्लीट करने थे। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमने टू मेथड से सॉल्व करने, एक मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड और क्रैमर रूल। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ, द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। हमने इसकी डायमेंशंस को फाइंड करना है रेक्टेंगल की। सबसे पहले हमने लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को एक्स लेट कर लिया और विथ ऑफ रेक्टेंगल को वाई लेट कर लिया। गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल वो 4 टाइम्स इसके विथ से ग्रेटर है। अब जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है एक्स, वो इसके वाई से 4 टाइम्स है, विथ से 4 टाइम्स है, तो वो तब हमारे पास इक्वेशन क्या होगी, 4x इक्वल टू वाई, क्योंकि क्या कहा है 4 टाइम्स है तो 4x इक्वल टू वाई आ जाएगी। अब हमने क्या कहा गया है कि पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल वो 150 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर क्या होता है कि ये जो ईस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल या रेक्टेंगल, अब इसकी 4 साइड्स हैं, 2 टाइम्स हमारे पास लेंथ है एक्स और 2 टाइम्स हमारे पास क्या है विथ, तो हम क्या लिखेंगे 2 इंटू लेंथ प्लस विथ। तो लेंथ हमारे पास क्या है एक्स और विथ हमारे पास क्या है वाई, तो यहाँ पर इक्वेशन क्या आ जाएगी 2x प्लस 2y इक्वल टू 150। अब इन दोनों इक्वेशन से हम इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे, ये दोनों इक्वेशन आके इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे, लेट ए एक्स इक्वल टू बी, ए डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया हमारे पास, हम इन मैट्रिक्स इन्वर्शन मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। डिटर्मिनेंट हमारे पास 10 के इक्वल आया, इसका क्या मतलब है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका इन्वर्स पॉसिबल है। इन्वर्स फाइंड करेंगे, एक एडजॉइंट फाइंड करेंगे, उसके लिए एडजॉइंट कैसे, हम कहते हैं कि इन दोनों की जगह चेंज कर दी ए मैट्रिक्स में और बाकी दो के साइंस चेंज कर दी। ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वैल्यूज पुट की ए एक्स इक्वल टू बी, हमारे पास फॉर्मूला एक्स इक्वल टू इन्वर्स बी, ए इन्वर्स की वैल्यू पुट की, बी की वैल्यू पुट की और एक्स किसके इक्वल हमने लेट किया था एक्स वाई के, यहाँ से हमने मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया और उसके बाद हमने डिवाइड किया, तो एक्स इक्वल टू 15 वाई इक्वल टू 60। ये हमारे पास दोनों इक्वेशन इसी हमने जो पहले निकाल ली है, जैसे हमने इन्वर्जन मेथड निकाला है इसी तरीके से क्रैमर रूल आपने खुद फाइंड आउट करना है, इससे क्रैमर रूल से एक्स वाई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल की जो टू साइड्स हैं वो डिफर है, मतलब डिफरेंट है, इसे हमने वाई लेट कर ली, ये एक्स लेट कर लिए, जो टू साइड्स है वो डिफरेंट है 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल को एक्स लेट करेंगे और विथ ऑफ रेक्टेंगल को वाई लेट करेंगे। कंडीशन के अकॉर्डिंग टू साइड्स का जो टू रेक्टेंगल की टू साइड्स हैं वो 3.5 सेंटीमीटर डिफरेंट है, इसका क्या मतलब है कि जो एक्स माइनस वाई यानी डिफरेंस की वजह से माइनस आ गया वो किसके इक्वल होगा 3.5, और पेरीमीटर किसके इक्वल है 67 सेंटीमीटर, तो डायमेंशन को हमने फाइंड करना है। तो पेरीमीटर हमारे पास वही कहा था 4 साइड्स का हमारे पास, तो ये 2 टाइम्स एक्स हो गया यानी लेंथ और 2 टाइम्स विथ हो गई, तो 2x प्लस 2y इक्वल हो गया 67। ये हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया, अब इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और क्रैमर रूल से आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेल्स ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ द टू इक्वल एंगल्स, फाइंड 3 एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल। हमने ट्राइंगल के 3 एंगल्स को फाइंड करना है। आइसोसेल्स ट्राइंगल बनाना है, आइसोसेल्स ट्राइंगल क्या होते हैं कि टू साइड्स इक्वल होती हैं, थर्ड वाली चेंज होती है। अब क्या कहा है कि टू साइड्स इक्वल हैं, जो थर्ड वाली है वो लेस देन है बाकी टू साइड्स के सम से, तब हम क्या कह रहे हैं कि एक्स प्लस एक्स माइनस 16 डिग्री के टू साइड्स से कम है 16 डिग्री, और किसके इक्वल है थर्ड एंगल के, तो वो थर्ड एंगल है 2x माइनस 16 डिग्री इक्वल टू वाई। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब जो एंगल्स का सम है वो किसके इक्वल होता है कि x प्लस वाई किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, कि हम वैसे भी कहते हैं कि ट्राई एंगल का किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के, उनका सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है, तो इन तीनों को हमने लिखा 2x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारे पास टू इक्वेशंस आ गई, ठीक है, इसको हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा और इनको दोनों मेथड से आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, वन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 12 डिग्री मोर देन ट्वाइस द अदर एक्यूट एंगल, फाइंड द एक्यूट एंगल्स ऑफ द राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या कहते हैं कि इसका जो एक एंगल है वो 90 डिग्री का हो, यानी राइट हो बिल्कुल, तो राइट ट्राइंगल कौन सा होगा 90 डिग्री का होगा ट्राइंगल में, जो 90 डिग्री का जाविया बनाए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि जो एक्यूट एंगल किसको कहते हैं, जो लेस देन 90 डिग्री से होता है। गिवन क्वेश्चन में है कि जो राइट ट्राइंगल का एक्यूट एंगल है वो 12 डिग्री मोर देन है दूसरे एक्यूट एंगल से, तो हम क्या कहेंगे कि दूसरे से ये 2x
ट्वाइस है एक और उसके बाद 12 डिग्री है, एक तो कहा है कि ट्वाइस है अदर से और दूसरा 12 मोर है, तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा हमारे पास इसके ट्वाइस के और प्लस 12 मोर देन, तो यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी 2x-y इक्वल टू -12। एक एक्यूट एंगल को हमने x लेट कर लिया, दूसरे को हमने y लेट कर लिया है, और जो x प्लस y है वो हमारे पास किसके इक्वल है 90 डिग्री के, क्योंकि वो राइट एंगल है। उसके बाद सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, हमने इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, आगे दोनों मेथड से आपने खुद सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, टू कार्स डेट आर 600 किलोमीटर अपार्ट आर मूविंग टूवर्ड्स ईच अदर। अब यहाँ पर समझिए ये कार ए है ये कार बी है, जो स्पीड ऑफ वन कार है उसे x किलोमीटर पर आवर हम लेट करेंगे x को, स्पीड ऑफ अदर कार उसे हम y लेट करेंगे। जो दोनों कार हैं वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं 600 किलोमीटर अपार्ट मूव कर रही हैं, ठीक है। अब उन्होंने जब डिस्टेंस कवर, अब उनका डिफरेंस क्या है, उनकी स्पीड, देयर स्पीड्स डिफर बाय 6 किलोमीटर पर आवर एंड द कार्स आर 123 किलोमीटर अपार्ट आफ्टर 4.2 आवर्स, फाइंड द स्पीड ऑफ ईच कार, कि जो उनका डिफरेंस है स्पीड का वो किया है 6 किलोमीटर पर आवर, तो हम क्या कहेंगे x-y किसके इक्वल है 6 के। अब उन्होंने 4.2 डिस्टेंस कवर किया है दोनों ने, और अभी भी 123 किलोमीटर उनका डिस्टेंस रहता है, तो हम अब इसको किस तरीके से लिखेंगे, फोर डिस्टेंस कवर बाय दी कार इन 4.2 आवर्स को क्या होगा 9/2 y किलोमीटर। अब हम ये दोनों ने किया, इसने भी कार वन, एक वन कार ने भी और अदर कार ने भी, तो हम 9/2 x + 9/2 y ये किसके इक्वल होगा, जो टोटल था वो 16 किलोमीटर था और 120 जो रह गया वो माइनस किया तो 477 आ गया। 9/2 को कॉमन लिया, दूसरी तरफ जाके वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x प्लस वाई किसके इक्वल आएगा 106 की। और सेकंड इक्वेशन हमने कहा था डिफरेंस x-y = 6 मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, अब इसे क्रैमर रूल से कैसे करेंगे, इसे x = b लेट किया, डिटर्मिनेंट a फाइंड करना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा -2। ए एक्स कैसे हम फाइंड करते हैं कि जो वहाँ पे x की जगह पे हम लोग इस x की जगह पे b की वैल्यू रखते हैं और a बाय में हम y की जगह पे b की वैल्यू रखते हैं। क्रैमर्स रूल में x का फॉर्मूला इक्वल होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ax बाय डिटर्मिनेंट a, y इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ay बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a। जो ए एक्स ये और ए वाई इन दोनों का डिटर्मिनेंट फाइंड करके डिवाइड करते हो, तो एक्स किसके इक्वल है 56 के, वाई 50 के। स्पीड ऑफ दी फर्स्ट कार हमारे पास क्या है 56 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ दी अदर कार हमारे पास है 50 किलोमीटर पर आवर। ये एक्सरसाइज नंबर 1.6 है जो आपने कंप्लीट करनी है, रिव्यू एक्सरसाइज भी चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज भी आपने खुद सॉल्व करनी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू क्लास।